हेलो, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिटजेट एकेडमी में। और आज हम आपको बताने वाले हैं टॉप 50 इंपोर्टेंट जीके क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये हमारा पार्ट टू है, इससे पार्ट पहला अगर आपने नहीं देखा तो वो जरूर देख लीजिए। तो शुरू करते हैं हमारा अपना वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, विच सिटी इज नोन एज सिलिकॉन वैली। तो सिलिकॉन वैली के नाम से जानी जाती है बैंगलोर। अगला है, हु इज द चीफ फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे पहले, वो थे हीरालाल जे कानिया। हु इज द वर्ल्ड फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर। तो दुनिया की पहली प्रधानमंत्री महिला कौन थी, वो थी श्रीमावो भंडार नायकी। हु इज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिया। तो पहली थी राज्यपाल, पहली महिला राज्यपाल भारत की सरोजनी नायडू। हु इज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो पहली भारत की महिला चीफ मिनिस्टर कौन थी, महिला, तो वे थी सुचेता कृपलानी। वेयर इज कोणार्क सन टेम्पल इज सिचुएटेड। तो उड़ीसा में है कोणार्क टेम्पल। ब्लैक पकौड़ा, विच गैस इज मेनली फाउंड इन गोबर गैस। तो मिथेन पाई जाती है गोबर गैस में। आगे देखते हैं, अगर आपको बता दें, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें भाई, शेयर जरूर कर दें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अच्छा लगे तो। आगे देखते हैं, विच गैस इज फिल्ड इन टायर ऑफ प्लेन। तो प्लेन के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है, वो भरी जाती है हीलियम। हाउ मेनी कीज फाउंड इन कीबोर्ड। तो कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं, तो कीबोर्ड में होती हैं 101 कीज। कितनी कीज होती हैं, 101। और फंक्शन की कितनी होती हैं, 12 फंक्शन की होती हैं। हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो भारत के पहले नेशनल कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट कौन थे, वो थे डब्ल्यू सी बनर्जी। हु इज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो पहली भारतीय महिला है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, वो थी सरोजनी नायडू। हु इज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो पहली महिला जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में वो थी अध्यक्ष एनिवेशन जी। तो भारतीय महिला थी और ये विदेशी महिला थी जो एनिवेशन थी, जो इसमें अध्यक्ष थी। वेयर इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है हेग में है, नीदरलैंड में। आगे देखते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SCFL। तो CFL की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट। आगे देखते हैं, अगर भाई आपको इसकी सभी PDF फाइल चाहिए और आपको ऐसी जीके क्वेश्चन देखने हैं जिसमें 1,00,000 से भी अधिक जीके क्वेश्चन बहुत जब बार बार पूछे जाते हैं, 1,000 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, तो इसके लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा फिटजेट अकेडमी ऐप, जो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फिटजेट अकेडमी ऐप, फिटजेट अकेडमी ऐप बहुत ही शानदार ऐप है, इस समय बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो फिटजेट अकेडमी ऐप जरूर डाउनलोड करें ब्रदर, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिले, फिटजेट अकेडमी ऐप। आगे देखते हैं, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर। तो प्योर वाटर की पीएच वैल्यू कितनी होती है, वो थी 7। शुद्ध पानी की पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7। हाउ मेनी ग्रुप्स एंड पीरियड्स आर देयर इन पीरियडिक टेबल। तो पीरियडिक टेबल में कितने ग्रुप और पीरियड्स होते हैं, वो थे 18 ग्रुप और 7 पीरियड। वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मायका। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट, सबसे ज्यादा मायका उत्पादन कहाँ होता है, भारत में होता है, इंडिया में होता है। इन एटमोसफेयर द लोएस्ट लेयर इज द ट्रोपोस्फेयर, जो है सबसे निचली परत है। आगे देखते हैं, अगला है, हु इज द फर्स्ट ICS ऑफ द वर्ल्ड। फर्स्ट ICS ऑफ द वर्ल्ड नहीं, इंडिया के फर्स्ट ICS कौन थे, वो थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। तो ICS के जो इंडियन सिविल सर्विस, जो अब IAS कहते हैं, इंडियन एकेडमिक सर्विस, उसी को इंडियन सिविल सर्विस के नाम से जाना जाता था पहले, तो वो थे पहले सत्येंद्रनाथ टैगोर। व्हेन वाज फर्स्ट रेलवे स्टार्टेड इन इंडिया। तो पहली रेलवे चालू हुई थी 16 अप्रैल 1853 मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। हु इज द लास्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया। तो लास्ट मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो अंतिम मुगल एम्परर कौन थे, बहादुर शाह द्वितीय। व्हेन वाज फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फोर्ट। तो पहला पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया, 1526 में। व्हेन वाज सेकंड बैटल ऑफ पानीपत फोर्ट, तो सेकंड लड़ा गया था 1556 में, और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया था 1761 में। आगे देखते हैं, व्हेन वाज बैटल ऑफ प्लासी फोर्ट। तो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 में, और व्हेन वाज बैटल ऑफ बक्सर फोर्ट, तो वो लड़ा गया था 1764 में। आगे देखते हैं, अगला है हमारा, व्हेन इज ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेटेड। तो ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेट किया जाता है 10 दिसंबर को। व्हेन इज एड्स डे सेलिब्रेटेड, तो एड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को। व्हेन इज ओजोन डे सेलिब्रेटेड, तो ओजोन डे को किया जाता है 25 सितंबर नहीं 16 सितंबर को। व्हेन इज लेबर डे सेलिब्रेटेड, तो लेबर डे को सेलिब्रेट किया जाता है 1 मई को। एलिसा टेस्ट रिलेटेड, तो एलिसा टेस्ट किया जाता है एड्स के लिए। अक्कर डायमंड साइंस ब्रिलियंटेड ड्यू टू, तो जो डायमंड होता है वो किसके कारण चमकता है, टोटल इंटरनल पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक मेजर्ड बाय, तो भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, सिस्मोग्राफ से।
आगे देखते हैं। टैक्स बिलोंग्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड टैक्स है एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, इनकम टैक्स। आगे देखते हैं अनदर नेम ऑफ रेगुड सॉयल, तो रेगुड सॉयल का अन्य नाम है ब्लैक सॉयल। इन विच स्टेट इज गुरु शिखर पीक लोकेटेड, तो राजस्थान में है गुरु शिखर पीक। आगे अ मनी बिल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टेबल डेट, तो जो मनी बिल है वो कहाँ पर पेश किया था, लोकसभा में। आगे देखते हैं टाइम ऑफ जीरो आवर इज पार्लियामेंट इज, तो टाइम जो जीरो आवर का टाइम होता है वो होता है 12 बजे से दोपहर के 12 बजे से 1 बजे तक। द लैंग्वेज इन विच बुद्ध प्रीच, तो बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया, पाली में। बाय विच अमेंडमेंट द राइट टू प्रॉपर्टी हैज बीन ऑमिटेड, तो राइट टू प्रॉपर्टी किसके किस संशोधन के द्वारा हटा दी गई, तो 44 के संशोधन के द्वारा हटा दी गई। डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम है, तो पानी की जो घनत्व वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। काजीरंगा नेशनल पार्क इज द ओनली नेचुरल हैबिटेट ऑफ द एंडेंजर्ड, तो वह वन हॉर्न राइनोस असम में। तो काजीरंगा किसके लिए, एक और एक सींग वाले राइनोसोरस के में जो असम में है। डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, तो विटामिन के की वजह से नॉन क्लॉटिंग। हु हैड गिवन द आइडिया टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बनाने के लिए किसने आइडिया दिया, वो थे एम एन रॉय। आगे देखते हैं, आगे है हु अमंग द फॉलोइंग एड्रेस्ड एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के चेयरमैन कौन कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट, और इस समय कौन है, वेंकैया नायडू। व्हेन वाज द रॉलेट एक्ट पास, तो रॉलेट एक्ट का पास किया गया 1919 में। फ्रॉम विच कंट्री द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज टेकन, तो यूएसए से लिया गया है। भारत के जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना किससे लिया गया था, यूएसए। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज अ मॉडरेटर न्यूक्लियर रिएक्टर, तो मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया था, ग्रेफाइट, मॉडरेटर के। फॉर द मायोपिक आई द डिफेक्ट इज क्यूर्ड बाई, तो कौन के द्वारा। मिक्सड इकोनॉमी मीन्स कोएग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ लिए हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन चाहिए तो हमारे सब्सक्राइब करें, हमारा चैनल शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। और अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए जो कल के पार्ट और आगे आने वाले पार्ट सभी की, तो उसके लिए डाउनलोड करिए फिजेट अकेडमी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।